ये बात 2017 विधानसभा चुनाव में तुलसीपुर विधानसभा सीट की है, जहां पर कुल 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन कड़ा मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच ही रहा। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी दोनों पार्टियों ने यहां पर अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। इसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी को हुआ। बीजेपी प्रत्याशी को 62,296 वोट मिले, जबकि पूर्व बाहुबली सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेवर रिजवान को 43,637 वोट मिले थे। वहीं सिटिंग विधायक रहे अब्दुल मसूद खान को 35,449 वोट ही मिले थे। इस तरह से बीजेपी के कैलाश नाथ शुक्ला ने 18,659 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश नाथ शुक्ला पहली बार जीत कर विधायक बने थे। विधायक कैलाश नाथ शुक्ला इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जोगिया कला के रहने वाले हैं। विधायक बनने से पहले इनका मुख्य पेशा वकालत था और भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ अधिकारी के रूप में काम करते रहे थे। कैलाश नाथ की उम्र की बात करें तो ये तकरीबन 58 साल के हैं। साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार ये विधायक बने। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि तुलसीपुर सीट से बीजेपी इस बार किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, और वहीं सपा और कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।